हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में है, कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप, जो यहाँ पर दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं, काफी इंडिपेंडेंट होते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं सबसे पहले हमें नजर आ रही हैं, जिन्हें हम काफी पॉजिटिव मानते हैं। ऐसी रेखाओं का होना, जितनी ज्यादा ऐसी खड़ी रेखाएं व्यक्ति के हाथ में हो उतना शुभ माना जाता है। यह रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार स्वभाव के रहेंगे। लेकिन अगर फिंगर्स के ऊपर आड़ी रेखाएं भी हों तो थोड़ा अग्रेशन भी व्यक्ति के भीतर होता है। जैसे आप इनकी सभी फिंगर्स को देख सकते हैं, यहाँ पर फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति के भीतर थोड़ा अग्रेशन ज्यादा हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपने इसी स्वभाव की वजह से कई बार अपने खास फ्रेंड्स या खास रिलेटिव्स के साथ भी मनमुटाव कर बैठता है। और अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो काफी अच्छी थिकनेस में है यहाँ पर फिंगर्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके बेस फैलेंजेस काफी अच्छे हैं, थिक हैं, एनर्जी और स्टैमिना इनके भीतर भरपूर रहेगा। और अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो गुरु फिंगर है इसकी लंबाई काफी अच्छी है। गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी। और नॉलेज के मामले में भी ऐसे नेटिव बहुत लकी होते हैं जिनकी जो बृहस्पति फिंगर है अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान इनको कहेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफी अच्छी गेन करते हैं। लेकिन इस फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना थोड़ा नुकसान भी करता है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी सी ईगो भी रह सकती है, और अपनी इसी ईगो की वजह से रिलेशनशिप्स में दिक्कत आना भी स्वाभाविक है। आगे आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर को। शनि फिंगर में यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी डिसिप्लिन्ड होगा, एक रूटीन लाइफ फॉलो करने वाला होता है और काफी मेहनती भी होता है, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छे मटेरियलिस्टिक सुख ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलते हैं। अब बात करते हैं सूर्य फिंगर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूर्य फिंगर है मीडियम लेंथ में है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट, किसी भी तरह का कोई झुकाव इनकी सूर्य फिंगर के ऊपर नजर नहीं आ रहा। इस तरह की स्ट्रेट सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी भी रहती है, और अपनी इसी क्रिएटिविटी की वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल और काफी अच्छी रिकॉग्निशन ऐसा व्यक्ति अपने समाज में पा लेता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मरकरी फिंगर को। मरकरी फिंगर की लंबाई यहाँ पर अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक इनकी मरकरी फिंगर पहुंच पा रही है, आप देख सकते हैं। मरकरी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को। ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है, जिसका रीजन यहाँ पर फिंगर्स के बीच में बनने वाले ये जो गैप हैं यह दर्शा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं और काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और किसी के अंडर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। और अदरवाइज अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा कर रही है इनकी मरकरी फिंगर। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी चेक करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट, ये तीनों माउंट्स काफी अच्छी स्पेस पा रहे हैं। और मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको वीक नहीं कहूंगा क्योंकि मरकरी फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है।
हल्का सा इस माउंट का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर और इंट्रोवर्ट नेचर दे सकता है, लेकिन मर्करी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इन सभी कमियों को दूर भी कर रहा है। बात करते हैं वन बाई वन सभी इनके जो माउंट हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आ रहा है। एक उभरा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नॉलेजेबल होने के साथ साथ थोड़ी सी इगोइस्टिक पर्सनैलिटी भी यह व्यक्ति को देता है। लेकिन बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं भी लाइफ में प्रोवाइड करता है। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि को, शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट है। शनि माउंट का फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एक रूटीन टाइप की लाइफ, एक स्ट्रगल भी लाइफ में आ जाती है। अगर शनि माउंट उभरा हुआ हो तो थोड़े से रिजल्ट चेंज होते हैं, और साथ ही साथ अगर शनि रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो तब और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है कुछ इस तरह से चल रही है, जिसमें आपको कुछ ब्रेक्स नजर आएंगी, उसके साथ साथ कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस करती नजर आएंगी। यह जो डार्क लाइंस आप देख सकते हैं जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है, राहु रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं जब भाग्य रेखा को काटती हैं तो लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 30s के आसपास की एज में थोड़ी स्ट्रगल आ रही है, उसके बाद यह जो दूसरी लाइन है 37 के आसपास की एज में दोबारा से इनकी भाग्य रेखा को काट रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर 55 की एज में भी एक स्ट्रेस लाइन इनकी फेट लाइन को काट रही है। तो यहाँ पर इन एजेस में इनको थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना रहेगी, अदरवाइज यहाँ पर एक अच्छी शनि रेखा है। बीच में कुछ ओवरलैपिंग्स नजर आ रही है शनि रेखा में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ओवरलैपिंग है और यहाँ पर एक ओवरलैपिंग है, जो कुछ समय के लिए थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें भी इन्हें दे सकती हैं। अदरवाइज अच्छा रहेगा इनके लिए, शनि माउंट बहुत ज्यादा नहीं दब रहा और शनि रेखा भी मौजूद है, तो कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे लाइफ में, स्ट्रगल भी रहेगी, लेकिन अच्छा पैसा भी इनकी लाइफ में रहने वाला है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, आप देख सकते हैं सूर्य रेखा मौजूद है और एक अच्छी सूर्य रेखा, बेशक बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है। अगर यह रेखा इसी तरह से लंबाई में हो, कुछ ऐसी लंबी सूर्य रेखा व्यक्ति के हाथ में आ जाए, तो व्यक्ति काफी क्रिएटिव होता है और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से समाज में खूब अपना नाम करता है, नेम एंड फेम पाता है। लेकिन यहाँ पर जो सूर्य रेखा है वो हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आ रही है, तो जो ज्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा सूर्य रेखा का वो ओल्ड एज में चलकर मिलेगा। एक अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर डेवलप होती जाएगी जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, और ओल्ड एज में काफी नेम एंड फेम और काफी अच्छा एक रुतबा सोसाइटी में बना पाने में यह कामयाब रहेंगे। और अगर देखा जाए इनके मर्करी को, हल्का सा लो सेट माउंट है लेकिन उभरा हुआ माउंट है, इस वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने वाले हैं। मर्करी रेखा का अभाव है जो बिजनेस के लिए देखी जाती है, वो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही। कुछ इस तरह की मर्करी लाइन यहाँ पर ब्रोकन, जो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन्हें दे सकती हैं। आगे देखते हैं कि मेजर लाइंस को, अब देख सकते हैं कि लाइन ऑफ हार्ट बिल्कुल स्ट्रेट और आगे बढ़कर सीधा इनके गुरु माउंट पर पहुंच गई है। ऐसे व्यक्ति दिल से रिलीजियस होते हैं, यानी दिखावा नहीं करते रिलीजियस होने का, काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी हार्ट की जो लाइन है वो बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए। प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी ज्यादा रहती है, और यहाँ पर एक ब्रांच इस तरह की जो यहाँ पर थोड़ी सी इन्हें मूडी नेचर और इमोशनल नेचर दे सकती है, लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो ज्यादातर चांसेस इनके प्रैक्टिकल रहने के रहेंगे। और अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी ट्रबल मुझे माइंड लाइन में नजर आ रही है। सबसे पहले तो यह जो इनकी रेखा है, माइंड की लाइन, इनकी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग चल रही है। यह दोनों रेखाओं में जो गैप है यह दर्शाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे नेटिव पर छोटी एज से ही आ जाती हैं, और छोटी एज से ही यह काम करना शुरू कर देते हैं, अपने डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर इनकी जो लाइन है, जो इनकी माइंड लाइन है, यह कटती हुई नजर आ रही है कई जगह से मुझे इस तरह से। यह जो रेखाएं इनकी माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हैं, यह व्यक्ति को तनाव और स्ट्रेस देती हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं इस रेखा को काटती हैं, उतनी ज्यादा
तनाव व्यक्ति को लाइफ में रहता है, तो लाइफ में कई बार यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां आती हैं, तो माइंड लाइन का इस तरह से कटना कहीं ना कहीं थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत या फिर डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी व्यक्ति को दे सकती है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स रहने की संभावना रहेगी, अदरवाइज इनका माइंड काफी तेज रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति और मरकरी माउंट अच्छे हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर एंग्जाइटी जैसी इनकी माइंड की लाइन से नजर आ रही है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप लाइफ की लाइन को देख सकते हैं, काफी अच्छी लेंथ में है, कुछ इस तरह से इनकी लाइफ की लाइन जो कि लंबी एज को शो कर रही है। थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 36 के आसपास की एज में भी एक रेखा इनकी माइंड लाइन को और इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही है, और कुछ रेखाएं उससे पहले भी इनकी लाइफ लाइन को टच हो रहे हैं, तो ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज भी लाइफ में रह सकते हैं, अदरवाइज एज लंबी रहेगी इनकी। और अगर देखा जाए तो यह रेखा कंप्लीटली बिल्कुल हथेली के नीचे तक पहुंच रही है, जो यहाँ पर दर्शाती है कि लगभग 85 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावना रहेगी। और अगर देखा जाए इनके शुक्र माउंट को, तो यहाँ पर शुक्र माउंट थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है वरी लाइंस की वजह से। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा होती हैं इस माउंट के ऊपर, उतनी फैमिली से और मैरिड लाइफ से रिलेटेड वरीज व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। तो वीनस माउंट थोड़ा सा यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है इन इन रेखाओं की वजह से। और अगर चंद्र माउंट की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर भी कुछ आड़ी रेखाएं आपको इस तरह की रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा इस माउंट के ऊपर होती हैं, उतनी एंग्जाइटी की दिक्कत व्यक्ति को होती है। ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग बहुत करता है, जब ऐसी छोटी छोटी रेखाएं मून माउंट के ऊपर मौजूद हो, तो व्यक्ति को लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत करने पड़ते हैं, ऐसा व्यक्ति घूमता रहता है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।